इंसान की शख्सियत को दुनिया तब तक याद रखती है जब तक वो जिंदा है। कुछ बातें और रहस्य होते हैं जिनके पीछे का सच उस इंसान के अंत के बाद रहस्य बन के रह जाता है। फिल्म जगत में एक रहस्यमयी अदाकारा रह चुकी है जिसे भारत की पहली महिला फिल्मकार कहते हैं। जी हाँ, आज मैं आरजे अनामिका लौट आई हूँ एक ऐसी महिला की रहस्यमयी कहानी लेकर जिनका इतिहास काल के अंधेरे में गुमशुदा हो चुका है। फातिमा बेगम, ये नाम शायद ही किसी के जहन में आता होगा क्योंकि अपने जन्मदाता को भूल जाने की तो बॉलीवुड की पुरानी आदत है। जब इंसान इतिहास भूल जाता है तो संस्कृति को भी भूल जाता है, और जहाँ संस्कृति को भुलाया जाता है वहाँ सामाजिक मूल्यों की कोई कदर नहीं होती। 100 से भी अधिक साल के इतिहास को खोजना बहुत मुश्किल है, इसीलिए फातिमा बेगम का प्राथमिक इतिहास आज कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उनकी शादी को लेकर भी विवाद फैले हैं। कोई कहता है कि गुजरात के सचिन रियासत के नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद यकूट खान उनके पति थे, पर किसी का कहना है कि उनकी शादी किसी अन्य धनवान इंसान से हुई थी। सचिन रियासत के इतिहास पर रुख किया जाए तो उनके अब तक के सभी पारिवारिक सदस्य में कहीं भी फातिमा बेगम का नाम नहीं आता। बेगम फातिमा का जन्म 1892 में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। फिल्म जगत से उनका गहरा नाता रहा था क्योंकि 1920 के जमाने के मशहूर फिल्मकारों से उनकी अच्छी पहचान रही थी, और साथ ही स्टेज और थिएटर से वो हमेशा जुड़ी रही। इसी कारण से उनका फिल्मों में प्रवेश सफल रहा। कुछ दस्तावेजों के अनुसार उनका फिल्मी सफर 1922 में शुरू हुआ, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फातिमा के फिल्मों में प्रवेश होने से पहले उनकी तीनों बेटियां फिल्म जगत में अपना पांव रख चुकी थी। उनकी पहली बेटी शहजादी का इतिहास कोई नहीं जानता, पर दूसरी बेटी जुबैदा और सबसे छोटी बेटी सुल्ताना ने अपनी काबिलियत से फिल्म जगत में अच्छा नाम बनाया। फिल्म जगत के इतिहास में ऐसा एकमात्र बार हुआ होगा जब एक परिवार से चार हसीन अभिनेत्रियों ने एक साथ काम किया हो। जुबैदा जी की कहानी सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। फातिमा जी ने 1922 की फिल्म वीर अभिमन्यु में सबसे पहले काम किया। इस साइलेंट फिल्म का निर्माण मशहूर फिल्मकार अर्देशिर ईरानी साहब ने किया था। अपने पहले फिल्म के साथ ही फातिमा दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। और यहाँ एक और दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में उनकी दो बेटियां भी दिखती है। सुभद्रा के किरदार में खुद फातिमा थी, उत्तरा के किरदार में सुल्ताना और एक और किरदार में जुबैदा थी। 1930 तक कुछ मात्र स्टूडियोज थे जो दर्जदार फिल्में बनाते थे, जैसे कोहिनूर और इंपीरियल स्टूडियो। फातिमा जी ने इन स्टूडियोज के साथ रहकर न सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि अपनी तीनों बेटियों के करियर को भी संभाला। पर भाग्य से जितनी प्रसिद्धि जुबैदा जी ने हासिल की उतनी फातिमा, सुल्ताना और शहजादी हासिल नहीं कर पाई। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये रहा कि फातिमा ने उम्र के हिसाब से किरदार निभाना कम कर दिए थे, और सुल्ताना से अधिक खूबसूरती और टैलेंट जुबैदा के पास था। 1926 के आते आते फातिमा जी ने खुद का स्टूडियो खड़ा कर दिया और बुलबुल परिस्तान का निर्देशन कर फातिमा बन गई देश की पहली महिला डायरेक्टर। बुलबुल परिस्तान उस जमाने की महंगी फिल्म रही क्योंकि इस फिल्म में एडवेंचरस स्टंट्स और काल्पनिकता बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था। यहाँ और एक खास बात यह है कि फातिमा के साथ जुबैदा के लिए भी ये फिल्म मिल का पत्थर साबित हुई क्योंकि फातिमा जी ने मुख्य किरदार में जुबैदा जी को ही कास्ट किया था। 1927 की चंद्रावली और हीर राजा, 1929 की कनक तारा, मिलन दिनार, नसीब नी देवी, शकुंतला और वंडरफुल प्रिंस, इन 7 फिल्मों के रूप में फातिमा बेगम ने फिल्म जगत के अंधेरे रास्तों को रोशनी से रोशन कर दिया। 1931 के आते आते टॉकीज फिल्मों का सवेरा आया और फातिमा जी ने फिल्म जगत से दूरियां बना ली। पर 1937 की दुनिया क्या है, इस बोलपट फिल्म में उन्होंने आखिरी बार काम किया। आज फिल्म जगत में 100 से भी अधिक साल पूरे हुए हैं। समय ने लंबा सफर जरूर तय कर लिया, पर इस सफर में फातिमा जी का इतिहास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता,
भारतीय फिल्म जगत आज दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। दुर्भाग्य से आज हमारे पास उनकी किसी भी फिल्म का प्रिंट नहीं है। कहा जाता है कि 1983 में फातिमा जी ने 90 की उम्र में आखिरी सांस ली। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जब इंसान अपना इतिहास भुलाता है तब मौलिक आधार को भी खो देता है। फिल्म जगत में भी ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपना इतिहास भुला के बैठे हैं और खुद को इस फिल्म जगत का जन्मदाता मानते हैं। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।